दोस्तों, अगर आप इस सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुस्से से बौखलाए संजू T20 के बाद अब पहले वनडे में भी साउथ अफ्रीका पर कहर बनकर टूट पड़े। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया ऐसा कारनामा पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से संजू बन गए अफ्रीका के लिए यमराज? कितनी गेंद में संजू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे संजू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? रोहित को भी छोड़ दिया पीछे, ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सची उनकी दहशत गर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, सूर्या और रोहित में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां टीम इंडिया ने T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। इसके बाद अब बारी है वनडे में गदर मचाने की, और आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक पहला वनडे मुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में शुरू हुआ, जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई, ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाज को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त संजू सैमसन ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर संजू की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के जज्बे पर संजू का जिगरा उनके घर में भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज संजू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए जेरल्ड कोएट्ज की लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में संजू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि संजू सैमसन का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस वनडे मैच को T20 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा, महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल संजू ही सुनाई दे रहा था। अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो संजू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन संजू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब संजू का बल्ला गरजा तो उनके सामने साउथ अफ्रीका थर थर कांप उठी, पर संजू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। केशव महाराज से लेकर कुएत से यहां तक कि मार्को जॉनसन सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए संजू सैमसन अपने पहले वनडे इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका साउथ अफ्रीका के पास आया। महाराज की गेंद पर संजू ने गलती कर दी, गेंद बहुत देर हवा में थी। ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। संजू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई, और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए संजू सैमसन ने गेंदबाज की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवनदान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मार्को जॉनसन के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 1 रन चाहिए था। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 1 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन संजू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने एडन मार्करम के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का संजू ने ठोका जो गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ इस सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 43 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेलकर संजू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, T20 के बाद अब वनडे इंटरनेशनल में भारत की तरफ से संजू ने शतक ठोकर इतिहास के पन्नों में अपने नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ संजू ने न जाने ऐसे कितनी कीर्तिमान बना लिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के भी बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि संजू ने तो अफ्रीका के पहले वनडे मुकाबले से ठीक पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था तो असली मुकाबले में तो वो क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, IPL 2025 के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने घोषित की चेन्नई की टीम के अंदर कर दिए कुछ ऐसे बड़े बदलाव जिसके चलते चेन्नई की टीम बन सकती है चैंपियन। जी हां दोस्तों, इस बार के IPL 2025 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि IPL की नीलामी आपसे कुछ ही दिन के अंदर होने वाली है, लेकिन इस बीच नीलामी के शुरू होने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने IPL 2025 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है।
और टीम में कुछ ऐसे बड़े बदलाव कर दिए जिन्हें देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2025 के लिए टीम का ऐलान कर किन खिलाड़ियों को शामिल किया ये तो आपको बताएंगे, साथ में पूरी टीम के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आईपीएल 2025 को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पर अब सभी फ्रेंचाइजी ने अपने रिटेन खिलाड़ी की लिस्ट जारी कर दी है और बड़ी नीलामी के लिए पूरी तैयारी कर ली। हालांकि आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट के दौरान महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे हैरान कर देने वाला नाम था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इस बार भी आईपीएल 2025 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में अब खुद महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले चेन्नई की टीम का ऐलान कर दिया है और टीम के अंदर कुछ बड़े बदलाव कर सभी को हैरान कर दिया, जिसमें उन्होंने ओपनिंग करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया, जो काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर बेहतरीन बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी है, जहां पर अब उनके ऊपर से कप्तानी करने की जिम्मेदारी को मुक्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर डिवन कॉनवे को शामिल किया है, जो कि इस टीम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई लगातार दिए हैं। एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है, हालांकि उनका रिटेन नहीं किया गया क्योंकि अब ऋतुराज गायकवाड़ को 18 करोड़ रुपए में पहले रिटेंशन के तौर पर मौका दिया गया है। ऐसे में अब इनके ऊपर आरटीएम कार्ड का यूज हो सकता है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए समीर रिजवी को शामिल कर लिया है, जो पिछले साल इस टीम के लिए खेलते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे में अब एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है, ये बेहतरीन गेंदबाजी भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने चार नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को शामिल किया है, जिनको तीसरे रिटेंशन के तौर पर 12 करोड़ रुपए देकर चेन्नई की टीम के अंदर शामिल कर लिया गया है। ऐसे में शिवम दुबे के ऊपर काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से रहने वाली है, जिसके चलते शिवम दुबे बेहतरीन प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पांच नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई की टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी ऋषभ पंत को इस नीलामी में खरीदने वाले हैं, क्योंकि ऋषभ पंत एक बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज है, जो महेंद्र सिंह धोनी की गैर मौजूदगी में टीम को संभाल सकते हैं और इस बार कप्तानी भी अब ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर कर सकते हैं। ऐसे में शामिल होने से चेन्नई की टीम को काफी ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तो वहीं इनका साथ देने के लिए खुद महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे, जो अब अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी 5 साल से ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले और नए नियम के तहत ऐसे खिलाड़ियों को अब कैप खिलाड़ी की जगह अब अनकैप्ड की सूची में रखा गया है। इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी 4 करोड़ में रिटेन हो चुके हैं। तो वहीं रविंद्र जडेजा भी चौथे रिटेंशन के तौर पर 18 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं, जिसके चलते महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किया है, जो बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इतने ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने सरफराज खान को भी शामिल कर लिया है, जो टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें नीलामी में खरीदने वाले हैं। तो वहीं अर्शदीप सिंह को भी महेंद्र सिंह धोनी ने शामिल कर लिया है, जो टीम के लिए शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। इतने ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने मतीशा पथिराना को 13 करोड़ रुपए में चेन्नई की टीम के दूसरे रिटेन खिलाड़ी के तौर पर एक बार फिर से शामिल कर लिया, जो टीम के लिए मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई देने वाले। इतने ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी नीलामी में केएल राहुल को भी बतौर कप्तान के तौर पर खरीदने का प्रयास करते हुए इस बार दिखाई देने वाले हैं, जिसके चलते चेन्नई की टीम आईपीएल 2025 में चैंपियन बन सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आईपीएल 2025 में चेन्नई की टीम चैंपियन बन सकती है या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में आया यशस्वी जायसवाल का तूफान, 13 शतक लगाकर यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला वार्म अप मैच खेला जा रहा है। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया है और अब 13 शतक के इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अर्जित कर दिया है। तो आखिरकार कैसे यशस्वी जायसवाल ने अब जबरदस्त बल्लेबाजी करने के साथ सभी को प्रभावित कर दिया है, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में उनकी तूफानी पारी का वीडियो भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत में से कौन है सबसे बेहतर बल्लेबाज, अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच भारत के साथ पर्थ के मैदान पर शुरू हो चुका है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और गेंदबाजी करने के लिए विरोधी टीम को आमंत्रित किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने अपनी पहली ही गेंद पर चौका लगाने के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला और इसी तरीके से बेहतर बल्लेबाजी करते हुए सभी को अपना दीवाना बना लिया। जहां पर इस मैच के अंदर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए पैट कमिंस के सामने
लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने का कार्य किया और बता दिया कि वो आज इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था, इसके बाद काफी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी की, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने गेंदबाजी